हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की ऐसी सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। भिंडी दो प्याजा बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अब एक की जगह चार रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बनने वाली रेसिपी। तो इसके लिए मैंने भिंडी और प्याज को कट कर लिया है। फिर लेंगे हम तेल, इसमें हम डालेंगे भिंडी को गर्म होने के बाद। फिर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक कि भिंडी नरम ना हो जाए। देखिए भिंडी अच्छे से नरम हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं, फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर हम उसी पैन में डालेंगे लगभग थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच लगभग। फिर उसमें हम डाल देंगे प्याज को। प्याज को डाल के इसको कंटिन्यू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसको हम निकाल लेंगे। फिर उसी पैन पे लेंगे हम तेल 2 बड़े चम्मच। फिर साथ में हम डालेंगे इसमें हींग, फिर डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद, जीरा को चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे पिसे हुए टमाटर। फिर इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे इस तरह से। देखिए फिर इसमें डालेंगे हल्दी, साथ में डाल धनिया पाउडर, फिर ये डालेंगे गरम मसाला, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तेल छोड़ने तक भून लेंगे। ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, 3-4 चम्मच लगभग। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। देखिए ये अच्छे से बॉयल हो गया है, अच्छे से मसाला भून गया। अब हम डालेंगे इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी को। भिंडी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं, इसके हाई फ्लेम करके मिक्स करेंगे। फिर हम फ्लेम को हम कम कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज, नमक डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार। फिर आमचूर पाउडर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसको देखेंगे। देखिए अच्छे से ये पक गई है भिंडी, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है भिंडी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज को, फ्राई किया हुआ प्याज को डालेंगे। तो इसमें क्रंचीनेस रहता है, बाद में डालो तो बहुत टेस्टी लगता है। प्याज डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे भूनने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।